उज्जैन जिले के नागदा के बड़े अरिहंत आरओ प्लांट पर खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीम से मिली जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 32, 51, 52 में कार्रवाई की गई थी। इस प्लांट में 20 लीटर पानी के सप्लाई की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस प्लांट में अवैध रूप से पानी के पाउच और 1 लीटर के पानी का भी निर्माण किया जा रहा था। जिला टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश गुप्ता ने बताया कि उज्जैन से आई टीम शैलेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने प्रथम दृष्टया में ही अनियमितता पाई गई और पूरे प्लांट को सील कर दिया गया। टीम के साथ राजस्व निरीक्षक नागदा, तहसीलदार विनोद शर्मा नागदा भी मौजूद थे। अपनी पूरी कार्यवाही में जिला खाद्य विभाग की टीम ने सभी पानी की बोतलें बनाने की मशीन और पाउच बनाने की मशीनों को भी सील कर दिया। बता दें कि यह अरिहंत पानी का प्लांट नागदा का सबसे बड़ा पानी सप्लाई करने वाला प्लांट है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। हमें 20 लीटर के जार में ड्रिंकिंग वाटर की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में हम लोग आज राज्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मौके मुआयना करने में हमने पाया कि यहाँ पर न केवल 20 लीटर के जार चेक किए जा रहे थे, बल्कि ट्यूमा फिश और अरियंत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के नाम से भी यहाँ पाउच और बोतल पैक हो रहे हैं। मौके पर हमने मुआयना किया तो पता लगा कि इस पर जो लाइसेंस नंबर है और मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस इंदौर का है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं मौके पर हो रही है, अर्थात लगभग डुप्लीकेट जैसी स्थिति है, डुप्लीकेट हो रही है। इसके अलावा ये विभिन्न और दूसरे नामों से स्मार्ट ड्रॉप नाम से भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिखाया है। मौके पर हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और 20 लीटर जार की जो आरओ ड्रिंकिंग मिनरल वाटर है इनका, उसके नमूने जांच से तो ले रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट आपके सामने भी समझ करें, अभी हमने केवल पार्टनरशिप डीड और कुछ नगर निगम का रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ प्रस्तुत किया है, लेकिन फूड लाइसेंस और BIS लाइसेंस जैसी अभी तक कोई चीज़ नहीं। अगर इनके पास ये चीज़ नहीं मिलती है डॉक्यूमेंट में, तो इस कंडीशन में क्या प्रशासन कार्य करेगा? पहली बात, इनके पास जो मौके पे जो ड्रिंकिंग वाटर मिला है उस पर निर्माण का जो पता है वो इंदौर का लिखा हुआ है और यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है डुप्लीकेशन का नंबर। दूसरा, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए BIS लाइसेंस होना आवश्यक है, जो कि अभी तक इन्होंने नहीं दिखाया है। कि दोनों तीनों ही मामले बड़े संगीन मामले हैं, आगे चल रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई होगी? हम प्रथम दशा से मौके पर जितने भी सैंपल हैं वो कलेक्ट करके जांच के लिए भोपाल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज रहे हैं। इसके अलावा हमें पूरी फैक्ट्री को सीज करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट माल है उसको भी सीज करेंगे और इनको नोटिस जारी करेंगे कि ये जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत करें और नया लाइसेंस के लिए आवेदन करें। ये सर सीज जो होगा ये वर्तमान में अभी ही सीज होगा? नहीं, मौके पर हम सीज करेंगे और जब तक आगामी आदेश प्राप्त नहीं तब तक इसको खोल नहीं सकते, व्यवसाय चालू नहीं कर सकते। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़वानी